हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी शो, जिसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स का सही मीनिंग, उनका सेंटेंस में यूसेज के साथ साथ उनका सही प्रोनंसिएशन करना भी सीखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए मैंने दिया है एक परफॉर्मेंस टेस्ट, ताकि आप एनालाइज कर सको सही से कि आपकी वोकैबुलरी पर कितनी अच्छी पकड़ है। गूश ये उस पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं हम जो सोशली बहुत ऑकवर्ड पेश आता है या जिसके अंदर सोशल मैनर्स नहीं होते। ये एक एडजेक्टिव है, तो सेंटेंस में हम इसका यूसेज देखते हैं। सेंटेंस से जो वर्ड है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो सेंटेंस है, बिकॉज एवरीवन अज्यूम दैट ही इज जस्ट अ टिपिकल गूश एडोलेसेंट, नो वन बिलीव दैट ही कुड हैव प्रोड्यूस्ड सच अ सोफिस्टिकेटेड वर्क ऑफ आर्ट। हर कोई ये समझता था कि ये एक गूश बंदा है या गूश लड़का है जो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, सोशली बहुत अजीब बिहेव करता है, लोगों से तमीज से बात नहीं करता, या सोशली ऑकवर्ड पेश आता है, या किसी उससे बात करते हैं सोशली तो वो बहुत ऑकवर्ड से आंसर देता है। तो हर कोई ये बिलीव करता था कि ये इतना अच्छा काम नहीं कर सकता। हो सकता है उसने कुछ अच्छा काम किया हो, कुछ उसने आर्टिस्टिक कुछ वर्क किया हो जिसका लोग जिसके ऊपर लोगों को विश्वास ना हो रहा। सेकंड वर्ड है इनोक्यूलेट, ये एक वर्ब है। इसका मतलब है कि कोई डॉक्टर जब किसी पर्सन को ट्रीट करे वैक्सीन से उसके बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, अभी कोई बीमारी नहीं है उसके अंदर, डिजीज नहीं है, मान लीजिए कोई डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उस वो डिजीज़ उस पर्सन को ना हो जाए, ठीक है, तो उस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उस पर्सन को वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीनेशन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है इनोकुलेट। सेंटेंस है बिफोर डॉक्टर्स वर एबल टू इनोकुलेट पीपल विद अ पोलियो वैक्सीन मैनी पीपल डाइड फ्रॉम द डिजीज़। तो डॉक्टर पहले पोलियो की वैक्सीन नहीं थी डॉक्टर्स के पास, तो लोग जो थे काफ़ी सारे मर गए पोलियो की वजह से, क्योंकि डॉक्टर जो थे वो लोगों को इनोकुलेट नहीं कर पाए पोलियो वैक्सीन से, मतलब उनको वैक्सीन नहीं दे पाए। थर्ड वर्ड है एफ्रोडीजियाक, ये एक नाउन है, तो मतलब कि ये एक ऐसा फूड है या ड्रिंक है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर को एनहेंस करता है या बढ़ाता है, सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाता है। ओके, तो सेंटेंस में इसका यूसेज देखते हैं। दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिए ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। To some men, looking at nude pictures is an act of that functions as an aphrodisiac. कुछ लोगों के लिए न्यूड पिक्चर्स को देख कर ही उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो बढ़ जाती है, मतलब जो न्यूड पिक्चर्स हैं वो लोगों के कुछ मैन के लिए एफ्रोडीजियक का काम करता है, जबकि एफ्रोडीजियक मोस्टली फूड या कुछ ड्रिंक के लिए बोला जाता है। यहाँ पर जो है वो यूज़ किया गया है पिक्चर्स के लिए, एफ्रोडीजियक यूज़ किया गया है। तो सेकेंड सेंटेंस है बिकॉज द फ्रूट इज सेड टू हैव प्रॉपर्टीज ऑफ एन एफ्रोडीजियक इट्स द परफेक्ट ट्रीट टू ईट ऑन योर हनीमून नाइट। तो यहाँ पे एक फ्रूट की बात हो रही है, बोला जा रहा है कि इस फ्रूट के अंदर एफ्रोडीजियक प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज हैं इस फ्रूट को खाने से आपके अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बढ़ जाता है। तो बोला गया है कि हनीमून नाइट से पहले अच्छा होगा कि आप इस फ्रूट को खाओ। फोर्थ वर्ड है एसोशल, ये एक एडजेक्टिव है, ये उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, जो सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करता है या जिसे पसंद नहीं होता, कोई भी रीज़न हो सकता है, सोशली लोगों से बात करना उसे पसंद नहीं होता, तो उसके लिए हम ए सोशल यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस है नॉट वॉन्टिंग टू बी कंसिडर्ड ए सोशल ही डिसाइडेड टू मिंगल विद अदर पार्टी गोअर्स। तो यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है, तो उस लड़के ने सोचा कि कहीं मुझे ए सोशल ना समझ लिया जाए, तो वो लड़का क्या डिसाइड करता है, जो और जो दूसरे लोग होते हैं जो पार्टी करते हैं उनके साथ घुलने मिलने की उसने सोची, क्यों, ताकि उसे ए सोशल कंसीडर ना किया जाए। फिफ्थ वर्ड है कंजेनिटल, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक ऐसी डिजीज होती है जो बर्थ से प्रेजेंट होती है या फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है जो बर्थ से प्रेजेंट है, किसी न्यूबॉर्न बेबी के बर्थ से प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम उस डिजीज के लिए हम कंजेनिटल डिजीज यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में यूसेज देखते हैं। आई बिकेम अ डॉक्टर सो दैट आई कुड स्टडी कंजेनिटल डिसऑर्डर्स इन न्यूबॉर्न। मैं डॉक्टर बना ताकि मैं जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें जो कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं, कंजेनिटल डिजीज होती हैं, उनको मैं स्टडी कर सकूं, रिसर्च कर सकूं उनके ऊपर। सिक्स्थ वर्ड है अनकॉन्शनेबल, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कोई ऐसा वर्क या कोई ऐसी चीज़ करी गई है जो सही नहीं है या अनरीजनेबल है, तो उसके लिए हम अनकॉन्शनेबल यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में यूसेज है Allowing blind people to ride to drive is not only foolish but it is unconscionable. Blind लोगों को गाड़ी चलाने का अधिकार देना गलत ही नहीं जबकि
फुलिश भी है, तो ये क्या है, एक अनकॉन्शनेबल है, अनरीजनेबल है। ओके, तो एज यू ऑल नो व्हाई, सेवेंथ वर्ड है सिंक्रोनाइज, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है कि कोई भी दो इवेंट्स जो एक साथ एक समय पर होते हैं तो उन इवेंट्स के लिए हम सिंक्रोनाइज यूज करते हैं। सेंटेंस में यूसेज देखते हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इन ऑर्डर टू परफेक्टली सिंक्रोनाइज देयर मूवमेंट्स द सोल्जर्स रिहर्स डेली, एक साथ अपने मूवमेंट को कराने के लिए सोल्जर्स ने डेली रिहर्स करी, तो सिंक्रोनाइज देयर मूवमेंट्स मीन्स एक साथ एक ही समय पर करवाने के लिए, एक ही समय पर सारे सोल्जर्स के पैर आ गया है, एक ही समय पर सारे सोल्जर्स का जो हैंड है वो आ गया है, तो ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है। ओके, एग्रीजियस, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो क्या है वाकई में बुरी है या लोगों के लिए ऑफेंसिव है। द कॉमेडियंस जोक वर एग्रीजियस टू मैनी इन द ऑडियंस, तो कॉमेडियन के जो जोक थे वो क्या थे, ऑडियंस में बैठे हुए कई लोगों के लिए एग्रीजियस थे, मतलब कई लोग उसके जोक्स सुनकर ऑफेंड हो गए, लोगों को बुरे लग गए वो जोक्स। हो सकता है कि वो जो जोक्स थे वो लोगों की कम्युनिटी के ऊपर हों, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो लोग थे, ऑडियंस थी, वो ऑफेंड हो गई, तो जो जोक्स थे वो कैसे लगे, एग्रीजियस लगे। नाइन्थ वर्ड इज सेग्रीगेट, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है दो चीज़ों को, जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई चीज़ें हैं या लोग हैं उन्हें अलग कर देना उनके बीच के डिफरेंसेस की वजह से। टू प्रिजर्व ऑर्डर इनसाइड द प्रिजन द वार्डन विल सेग्रीगेट ट्राइबल गैंग मेंबर्स फ्रॉम ईच अदर, तो जेल के अंदर एक ऑर्डर रहे, शांति बनी रहे, तो जो जेल वार्डन है उसने क्या किया, जो राइवल गैंग मेंबर्स थे, तो जो एक दूसरे के जो विरोधी हैं जो आपस में लड़ सकते हैं उन्हें क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। उनके बीच डिफरेंस था कि एक कोई दूसरे मेंबर का ग्रुप का था और एक दूसरे ग्रुप का था, तो उनके ग्रुप्स को देखकर उन्हें सेग्रीगेट कर दिया। टेंथ इज गस्टेटरी, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जहाँ पर टेस्ट की बात आ जाए या टेस्ट के साइंस की बात आ जाए तो हम वहाँ पर गस्टेटरी यूज करते हैं। सेंटेंस है द शेफ वॉज ट्राइंग टू टीच हिज स्टूडेंट्स अबाउट द गस्टेटरी आर्ट्स, तो जो शेफ होते हैं उन्हें हर एक टेस्ट के बारे में डीपली नॉलेज होती है, वो पता ला सकते हैं कोई भी चीज़ टेस्ट करके कि उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वही जो शेफ है वो समझा रहा है अपने स्टूडेंट्स को गस्टेटरी आर्ट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट दिस परफॉर्मेंस टेस्ट, सेट 11 के भी मैंने वर्ड्स लिए हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, इनको देखो कि कौन सा सही है कौन सा गलत, और जो मेरे प्रीवियस सेट्स हैं मैंने उनके भी वर्ड्स लिए हैं ताकि आपका जो टाइम टू टाइम रिविजन होता चले पिछले जो वर्ड्स हैं उनका भी।